प्रदेश में कोरोना वायरस के 650 मामले सामने आ चुके हैं और राजस्थान में 37 मामले सामने आ गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के अलवर में। अलवर का फेमस मार्केट मालाखेड़ा बाजार यहाँ पर है, विवेकानंद चौक में। यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगी, पूरा यहाँ विवेकानंद चौक है और ये पूरा मालाखेड़ा बाजार है। यहाँ देखिए सारी दुकानें बंद हैं, लोग दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ पे दुकान अमूल की जो शॉप है वो भी बंद है। यहाँ पे देखिए इक्का दुक्का वाहन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नजर आएंगे। लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इस मार्केट में इतनी आवाजाही रहती है, वाहनों का आना जाना लगा रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, चकाचक ये मार्केट जो है हरा रहता है, खचाखच भरा रहता है। और अभी देखिए पूरे मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ एक आध लोग जिनको बहुत इमरजेंसी का सामान लेने जाना है वही लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, देखिए एक दो वाहन जो है सिर्फ वही जा रहे हैं। नवरात्रों के दिन में ये मार्केट पूरी तरह भरा रहता है, 9 दिन माता के। आज दूसरा दिन है नवरात्रों का और लॉकडाउन का भी आज दूसरा दिन है। देखिए आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सारी दुकानें यहाँ बंद है, सारे दुकानों पे ताला लगा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है बाजारों में, गलियों में। यहाँ पे सिर्फ एक दो वाहन जाते हुए नजर आ रहे हैं जिनको बहुत इमरजेंसी होगी, दवाई लेनी होगी या राशन लेना होगा। जो राशन की दुकानें हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ खुलेंगी, 5 से 7 या 7 से 7, जो भी टाइम सरकार ने बांधा हुआ है। देखिए मैं आपको लेके चलती हूँ त्रिपोलिया मार्केट की तरफ। ये देखिए गलियों में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, बंद की गई है। हमारी भी आपसे अपील है कि घरों में रहिए, कोरोना वायरस से डरिए, सरकार का सहयोग दीजिए। देखिए अगर मैं किसी दुकान के आगे आपको दिखाऊं तो सर्कल बनाए हुए हैं, अगर ये टाइम टू टाइम दुकानें खुलेंगी तो ये व्हाइट कलर से देखिए सर्कल बनाए हुए हैं, जिससे लोग एक एक मीटर की दूरी बनाए रखे, पास ना खड़े हुए, और जो दुकानदार है उसको भी इस चीज का कोरोना वायरस का खतरा ना हो और जो सामान खरीद रहे हैं उनको भी खतरा ना हो। ये देखिए इस दुकान पे देखिए सर्कल बनाए गए हैं, यहाँ पे कोई अगर है, यहाँ पे कोई नहीं है बातचीत करने के लिए। सर मैम कोरोना वायरस से आप बाहर बैठे हैं, सामान ले रहे हैं। क्या सामान लेने आएंगे? घर का किराने का सामान। आप भी इनके साथ देखिए, यहाँ पे परचूने की शॉप है, जो किराने की शॉप है वो खुली हुई है। यहाँ पर भी एक सर्कल बनाए गए हैं, एक एक मीटर वन हैंड डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। सर कोरोना वायरस चल रहा है, सब अपने घरों में आप दुकान खोलिए, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, कितनी भीड़ आपके पास आ जाती है? नहीं भीड़ ज्यादा, भीड़ होने नहीं दे रहे अभी, भीड़ नहीं। अगर भीड़ होती है तो आप किस तरह से देखिए उनकी पर्ची ले ली, आपसे पर्ची लेके दूर बैठा दिए, आप जाइए 15 मिनट बाद आ जाइए, सामान तैयार हो जाएगा जब ले जाइए आप। ठीक है सर, आपने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। मैडम अभी रख के आया हूँ, नहा के अब आया हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने पर्ची ले ली है, वो ग्राहक मैं आपको दिखाऊं, सामने दो लेडीज बैठी है जो पर्चियों का सामान, अपने घर का सामान लेने आई है, और इन्होंने पर्ची लेके उनको दूर बैठा दिया है जिससे उनको भी वायरस का खतरा ना हो और इनको भी वायरस का खतरा ना हो। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊं पुलिस खड़ी है, पुलिस 25 जगहों पर अलवर में नाकाबंदी की गई है। देखिए ये त्रिपोलिया मार्केट है जो शिव जी का मंदिर है, जो नवरात्रों में चकाचक भरा रहता है, यहाँ पुलिस खड़ी है, पुलिस बैठी है, नाकाबंदी की गई है, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही आने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ मैं दिखाऊँ पूरा मार्केट सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ पे आवाजाही इतनी होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ इस साइड देखिए ये वाला सारे दुकानों पे ताला लगा हुआ है, मैं भी और मेरा चैनल भी, हमारा चैनल भी आपसे ये अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, घरों में रहें और पीएम का सहयोग दें, वायरस के खतरे से दूर रहें। देखिए मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर किस तरह का माहौल है, सेकंड डे है लॉकडाउन का? माहौल यहाँ का बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। और लोग बनाकर बाहर निकल रहे हैं? बहाना तो कुछ नहीं है, कोई सब्जी बीमार है, बीमार हो गया सर, कोई जा रहा है, तो रहा है, कोई बहाना नहीं है, सहयोग दे रहे। पुलिस का कहना है कि लोग, जनता जो है, अलवर की जनता जो है वो सरकार का सहयोग दे रही है, हमारा सहयोग दे रही है, पुलिस का सहयोग दे रही है, और हमारी भी आपसे यही अपील है कि सहयोग दे, पुलिस का भी सहयोग करें। देखिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, यहाँ पे भी एक दुकान खुली हुई है, ये त्रिपोलिया का मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रों में खचा खच भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। आगे लेके चलती हूँ आपको,
इसमें ताला लगा हुआ है, सारी दुकानें बंद है। इस दुकान पे भी सर्कल बनाए गए हैं, हालांकि हर दुकान पे हमें सर्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी की दुकानें होंगी थे जो टाइम टू टाइम खुलेंगी, ये वही दुकानें हैं, इसलिए उनके आगे सर्कल बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं खुली। यहाँ से अगर मैं आपको पूरा कैमरा दिखाऊं तो पूरी दुकानों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए सिर्फ एक दुकान बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं इनसे बातचीत करती हूँ, वायरस का खतरा नहीं है। सन्नाटा है, यहाँ पे बैरिकेडिंग भी है, जो कि बरसाती होगी जब दुकान खोलने का टाइम होता होगा उस टाइम भी यहाँ पे आवाजाही पर रोक कर दी जाती होगी। देखिए यहाँ पे अगर मेरे को सर, यहाँ पे भी चप्पा चप्पा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जनहिता धारा 144 के का पालन करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। देखिए यहाँ पर एक बाइक आई और पुलिस ने उसे रोका, अगर इमरजेंसी होगी तभी वो उनको आगे चालू करेंगे। यहाँ पे अगर इमरजेंसी वाले लोगों को बच्चा दिखाने गए हैं, बीमार है, इमरजेंसी है, समान है, इसलिए इनको जाने दिया जा रहा है। यहाँ खड़े हैं ये, इन बच्चों के इनका कोई रीजन नहीं है जाने का, ये जा रहे हैं, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। मीडिया के अगर आप हैं, डॉक्टर हैं और लोग पुलिस कह रही है कि लोग जो है, जनता जो है सहयोग दे रही है। न्यूज के लिए अलवर से रिया मलिक की रिपोर्ट।